भरूच शहर जिला मानो अब गुनाहों का हब बन रहा है, जहां करोड़ों कीमत के ड्रग्स की जब्ती की घटना के बाद भरूच एलसीबी पुलिस द्वारा आधे करोड़ यानी कि 57 लाख कीमत का भारी मात्रा में शराब की हेराफेरी को पकड़ते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। भरूच शहर जिला मानो अब गुनाहों का हब बन रहा है, करोड़ कीमत के ड्रग्स की जब्ती के बाद एलसीबी पुलिस ने एक और पर्दाफाश प्रोहिबिशन के गुनाह का किया है, जिसमें वडोदरा भरूच हाईवे शीतल होटल के पास लगे गई वॉच के दौरान मध्य प्रदेश पासिंग की एक ट्रक को बरामद करते हुए 57 लाख कीमत का शराब का जत्था जब्त किया गया। पुलिस ने मिली खबर के आधार पर सूरत से वडोदरा की ओर लाया जा रहा वैसा आधे करोड़ कीमत से अधिक का मुद्दा माल धर पकड़ते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शीतल होटल के पास टाटा ट्रक में लकड़े के प्लाई का बॉक्स बनाकर छुपा कर लाया जा रहा वैसे 57,50,000 कीमत का भारी मात्रा में शराब का जत्था जब्त किया गया है। जहां भरूच एलसीबी इंस्पेक्टर उत्सव बारूद को ह्यूमन इंटेलिजेंस की ओर से जानकारी प्राप्त हुई थी कि टाटा कंपनी की ट्रक में संदिग्ध अवस्था में शराब की हेराफेरी हो जा रही है, जिस आधार पर पुलिस ने लगाई गई वॉच के दौरान संदिग्ध अवस्था में सूचित नंबर वाली वैसी ट्रक को बरामद कर तलाशी जारी करते हुए यहां से 1,198 जितने लकड़े के बॉक्स में से 57,504 जितनी शराब की बोतलों का जत्था बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत 57,50,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश का अनिश खान, मजर खान तथा खिंजर खां, सादिक खां की गिरफ्तारी कर सघन कार्यवाही का दौर जारी किया है, जो ये शराब का जत्था आरिफ खान, रहमान खान द्वारा तथा वडोदरा का महेश भूरालाल तन्ना उर्फ महेश ठक्कर के जरिए मंगवाया गया था, जहां पुलिस ने दोनों को वांटेड घोषित करने के साथ शराब का जत्था, ट्रक, मोबाइल फोन वैसे कुल मिलाकर 67,14,000 का मुद्दा माल जब्त कर सघन कार्यवाही जारी की थी।